यह वीडियो आपको लिवर कैंसर के बारे में जानकारी देगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार पाटिल सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे, यहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। यह वीडियो आपको लिवर कैंसर के बारे में जानकारी देगा। दोस्तों, लिवर कैंसर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स उसमें पाए जाते हैं। तो लिवर में जो अलग अलग कैंसर्स आ सकते हैं उसमें कुछ टाइप्स मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट टाइप है लिवर का खुद कैंसर, जिसको हम हेपेटोसेलुलर कैंसर बोलते हैं, जो लिवर के सेल्स में से ही पैदा होता है। सेकेंड तरह का कैंसर है कोलेंजियोकार्सिनोमा, कि जो पित्त की नलियों में से होने वाला एक कैंसर है, बाइल डक्ट जिसको बोलते हैं हम, इसलिए उसका नाम कोलेंजियोकार्सिनोमा है। थर्ड है कि आंतड़ों में से या स्टमक में से या जठर में से आने वाला कैंसर, जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो मेटास्टेसिस, लिवर इज द कॉमनेस्ट ऑर्गन ऑफ मेटास्टेसिस। कोई भी कैंसर जब फैलता है तो सबसे ज्यादा मात्रा हम लिवर में पाते हैं, स्पेशली लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, पैंक्रियास कैंसर और कोलोन कैंसर की। इन सब के सिम्टम्स सेम होते हैं। जब भी पेशेंट को लिवर में कोई घटाने होती है कैंसर रिलेटेड, या वो मेटास्टेसिस की हो या लिवर कैंसर की हो, तो उसके सिम्टम्स होते हैं पेट दाई तरफ दर्द होना, कुछ लोगों को पीलिया या जॉन्डिस होना, और वेट लॉस होना, भूख कम लगना, कुछ लोगों को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। तो ये कॉमनेस्ट सिम्टम्स हम लोग मानेंगे। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? मैक्सिमम टाइम पे पेशेंट किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और वहां पे सोनोग्राफी की जाती है उनकी सलाह पर, और सोनोग्राफी में दिखता है कि लिवर में सूजन है और गठाने हैं। अब इसके आगे के नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको एक बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करते हैं। उसमें कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं जो कि हमको एक अंदाज देते हैं कि ये कैंसर कहाँ से आया होगा। उन ट्यूमर मार्कर्स में अल्फा फीटोप्रोटीन, CA19.9, CEA, CA125, एक दो और मार्कर्स हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हमको पता चले कि ये कैंसर कहाँ से संभाव्य तरीके से आया होगा। सेकेंड जो हम सब कैंसर्स में करते हैं स्टेजिंग के लिए, उसको हम बोलते हैं पेट स्कैन। अब पेट स्कैन हेड टू टो एक पूरा स्कैन है, होल बॉडी स्कैन, जो हमें जानकारी देगा कि लिवर में कैंसर कितना फैला हुआ है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, और ये कहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है। ये स्टमक से आया है, कोलोन से आया है, ब्रेस्ट में से आया है, लंग्स में से आया है, या लिवर का ही कैंसर है। इसके अलावा कुछ लोगों को लिवर कैंसर होने के बाद पेट में पानी भी हो जाता है, और वो भी हम सीटी स्कैन या पेट स्कैन के द्वारा इसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इसके आगे की डायग्नोसिस की प्रक्रिया रहेगी बायोप्सी। बायोप्सी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि बायोप्सी में से हमें वो टुकड़ा मिलता है जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, और उसका एग्जैक्ट नेचर या टाइप हमें पता चल सकता है। 10% लोगों में हमें सिर्फ माइक्रोस्कोपी पे उसका टाइप पता नहीं चलता है, और हम उसके आगे के टेस्ट, जिसको हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं, टू फर्दर क्लासिफाई द कैंसर, कि हाँ ये लिवर का कैंसर है, कोलेंजियोकार्सिनोमा है, या कोलोन या स्टमक में से आया हुआ कैंसर है। सो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री गिव्स अस अ परफेक्ट आइडिया कि इसका ओरिजिन या उगम कहां से हुआ है। पेट स्कैन करके हमें स्टेज पता चलता है, एक्सटेंट पता चलता है, बायोप्सी करके हमें उसका टाइप पता चलता है, और ट्यूमर मार्कर्स करके हमको उसे ओरिजिन के बारे में पता चलता है। इसके बाद आई ट्रीटमेंट का सवाल। तो ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है, उसको कौन कौन सी बीमारियां हैं, उससे पहले की कोई ट्रीटमेंट हुई है क्या, और कुछ लोगों को लिवर कैंसर के साथ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिविटी पाई जाती है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट हमको साइमल्टेनियसली शुरू करनी पड़ सकती है। पेशेंट को जॉन्डिस या पीलिया की लेवल कितनी है, किडनी पे कुछ असर हुआ है क्या, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं एक डिसीजन मेकिंग में। दोस्तों, जब भी एक गठान सिर्फ सिंगल आइसोलेटेड ट्यूमर की तरह प्रेजेंट होती है, तो हम उसे बाहर निकाल फेंकने की कोशिश करते हैं, या उसको पूरी तरह से रिमूव करने का कोशिश करते हैं, जो सर्जिकल एक्सीजन से पॉसिबल होता है। अनफॉर्चुनेटली, जब भी लिवर में कैंसर फैला होता है, तब 90-95% ऑफ द टाइम्स ये पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए हमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इनका सहारा लेके उसे कंट्रोल करना पड़ता है। ये बता दें कि हर एक टाइप की ट्रीटमेंट अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिवर कैंसर या HCC की बात करें, तो उसमें कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं जिससे बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी नई दवाइयों में इम्यूनोथेरेपी नाम की एक दवा है जो हम दे के इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड कैंसर कोलेंजियोकार्सिनोमा, जो जिसे हम पित्त की नलियों में से आया हुआ कैंसर बोलते हैं, उसमें प्राधान्य रूप से कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि ये श्रिंक हो जाए और कंट्रोल में आ जाए। आजकल कीमोथेरेपी को इम्यूनोथेरेपी के साथ कंबाइन करके भी थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। स्टमक कैंसर और पैंक्रियास कैंसर,
अगर लीवर में फैले हैं तो उसमें ओनली ऑप्शन इज कीमोथेरेपी, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं बचता है। अगर यही कैंसर कोलोन आंतड़ों में से आया है तो हम कीमोथेरेपी के साथ कुछ नई ट्रीटमेंट जैसे टारगेटेड थेरेपी कंबाइन कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। इन कैंसर्स को हम 2 या 3 साल तक कंट्रोल में रख सकते हैं। सो दोस्तों, हमने देखा कि हर एक कैंसर की, लीवर में फैले हुए कैंसर की ट्रीटमेंट अलग है, उसका टाइप जानना बहुत जरूरी है, उसका एक्सटेंट जानना जरूरी है, पेशेंट की जनरल कंडीशन समझना बहुत जरूरी है, और इस हिसाब से ही इसके डिसीजंस होते हैं। कमिंग टू प्रिवेंशन, क्या हम लीवर के कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो यस, 1-2 कैंसर्स प्रिवेंटेबल है। जैसे मैं हेपेटोसेल्युलर कैंसर फॉर एग्जांपल, लिवर में होने वाला कैंसर जो कि मैक्सिमम टाइम्स हेपेटाइटिस बी की बॉडी में जो डैमेज होती है उसकी वजह से होता है। सो हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से लिवर डैमेज होता है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट टू 15-20 ईयर्स उसमें कैंसर की एक पॉसिबिलिटी बनती है। अगर हम हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट कर सके वैक्सीनेशन से, या हेपेटाइटिस बी को डायग्नोसिस करें जल्दी और उसे कर्व करने का कोशिश करें और उसको कंट्रोल करें, तो हम होने वाले कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल है। बट वन अनफॉर्चुनेट थिंग, आजकल हेपेटाइटिस बी और सी का प्रमाण कम हो रहा है, लेकिन लिवर डैमेज बिकॉज ऑफ एल्कोहल, बिकॉज ऑफ फैट एंड बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, ये ज्यादा कॉमन हो रहा है और उसकी वजह से कुछ लिवर कैंसर्स भी हो रहे हैं। तो लाइफस्टाइल इंप्रूव करना, एडिक्शंस बंद करना, ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूंगा लिवर कैंसर के प्रिवेंशन के लिए। और सिर्फ लिवर कैंसर ही नहीं, लिवर से रिलेटेड बाकी बीमारियां जैसे लिवर सिरोसिस बोलते हैं और लिवर डैमेज बोलते हैं, वो भी इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरे कैंसर्स जैसे स्टमक या कोलोन पूरी तरह से प्रिवेंटेबल नहीं है, उनमें अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ही पॉसिबल है। जैसे भी आपको कोई भी सिम्टम्स आए पेशेंट को कि पेट में भराव महसूस हो रहा है, राइट साइड में दर्द हो रहा है, थोड़ा भी जॉन्डिस या पीलिया के लक्षण दिख रहे हैं, वेट लॉस शुरू हो गया है, तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लें, ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह लें, जरूरी इन्वेस्टिगेशंस कराएं, डायग्नोसिस करें और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराएं। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आजकल ट्रीटमेंट बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे स्तरों पे, जिला स्तरों पे बहुत सारे कैंसर के रुग्णालय हैं जहां पे आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इफ यू शाय अवे फ्रॉम ट्रीटमेंट यू विल कम लेट, अगर आप लेट आएंगे तो आपका ट्रीटमेंट करना ज्यादा मुश्किल हो पाएगा। जल्दी ट्रीटमेंट कराएं, बीमारी से मुक्त होने का एक अटेम्प्ट करें या बीमारी को कंट्रोल करने का अटेम्प्ट करें ताकि हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहे। थैंक यू। इस विषय से जुड़ी हुई आपको कोई भी और अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।